मैं कौशिक मैं आज फिर आपको एक चांदी चौक के फूड की शॉप गुरु कृपा के डोसा के कॉर्नर के नाम से लेके आई हूँ जो कि बहुत ही अच्छे मूंग की दाल के पकोड़े बनाते हैं जो चांदनी चौक के अपोजिट फवारा चौक है ना जहाँ पे और अपोजिट गुरुद्वारा है वहाँ पर है ये शॉप बहुत बड़ी शॉप है इनकी बहुत पुरानी शॉप है तो आप यहाँ पे आइएगा ज़रूर और पकोड़े खाइएगा जरूर पकोड़े ये मूंग की दाल के बनाते हैं और ये सर्व किस तरीके से करते हैं पहले पकोड़े बनाते हैं फिर उन्हें बना के रख देते हैं फिर जब कस्टमर जो आता है ना फिर उन्हें बीच में से काट के हाफ करके और देखो तलते हैं तलने का दिखाई भी दे रहा होगा आपको फिर उसमें मूली के लच्छे डालते हैं हरी चटनी डालते हैं और फिर ये सर्व करके देते हैं इस इसे खाने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं सुबह सुबह ही भीड़ लग जाती है नौ बजे खुलता है नौ बजे से इनके यहाँ पे और पाँच बजे तक इनके यहाँ भीड़ रहती है काफ़ी तादाद में लोग बाग लंच करने आते हैं जैसे भी आते हैं लेकिन यहाँ भीड़ काफ़ी रहती है तो आप आइएगा जरूर और खाइएगा जरूर लेकिन इससे पहले आपको मेरी वीडियो को क्या करना है लाइक करना है सब्सक्राइब करना है कमेंट करना है एंड बेलाइकिन का बटन दबाना है शेयर भी करना है आपको कैसी लगी मेरी वीडियो इसमें कमेंट करके आपको जरूर लिखना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ठीक है गाइज और देख इस तरीके से ये बनाते हैं और अपने कस्टमर को इतने पुराने कस्टमर आते हैं यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे बातें करी थी कस्टमर से तो बोल रहे थे कि हमें यहाँ पे पाँच साल हो गए हैं खाते खाते जो भी हमारे बाहर से भी जो हमारे फ्रेंड्स आते हैं या फिर रिलेटिव्स आते हैं वो भी स्पेशली ही हम यहाँ से उनके लिए स्पेशल बोलते हैं कि हमें वो वाले मूँग के दाल के पकौड़े ज़रूर खिलाना तो हम यहाँ से लेके जाते हैं देखो किस तादाद में भीड़ है आपको दिखाई तो दे रही होगी गाइज़ काफ़ी भीड़ रहती है तो आप आइएगा ज़रूर एक बार खाइएगा जरूर ठीक है ओके मैं आपको फिर दोबारा देखती हूँ मिलती हूँ ओके बाय हाय देखिए यहाँ पे ना मिक्स पकोड़े मिलते हैं मूंग की दाल तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट है ही लेकिन यहाँ पे मिक्स पकोड़े मिलते हैं देखो प्याज के मूँ प्याज के और किसके मिर्च के पकोड़े गोभी के पकोड़े पनीर के पकोड़े यहाँ पे सब चीज़ के पकोड़े मिलते हैं देखो आपको दिखाई तो दे रहे होंगे मिर्च के पकौड़े कैसे लम्बी लम्बी मिर्च है तो स्वादिष्ट लग रहे हैं खाने के लिए देखो साइड में पनीर के पकौड़े भी रखे हुए हैं तो काफ़ी वैरायटी मिलेगी स्पेशली ठंड तो काफ़ी बढ़ चुकी है और ठंड में तो पकोड़ों का मज़ा ही कुछ हो रहा है आपको तो पता होगा ना और दूसरी बात चाय मिल जाए साथ में ही इसके बिल्कुल पास ही इसमें चाय की शॉप है जो लोग बाग यहाँ पे चाय के साथ और तो पकोड़े खाते हैं वाव ऐसा लगता है जैसे घर पर खा रहे हो मज़ा ही आ जाता है तो देखना आप आके तो देखो एक बार ट्राई तो करके देखो कि, कि किस तरीके से पकोड़े बनते हैं यहाँ पे अरे हरे मिर्च के तो ना मुझे बड़े ही टेस्ट लगते हैं भी मेरे तो फेवरेट सर पता नहीं आपके होंगे या नहीं नो आई डोंट नो बट शायद फिफ्टी परसेंट नहीं नहीं सेवेंटी टू एट्टी परसेंट लड़कियों के मिर्च के पकोड़े भी फेवरेट ही होते हैं सर्दियों के मौसम में तो लाजवाब लगता है तो आप आना जरूर ठीक है और खाना भी जरूर एक बार ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए यार चांदी चौक आए और कोई भी शॉपिंग करने और ना मिर्च के पकोड़े और इनके गुरु कृपा वाले जी के, के पकौड़े ना खाए तो क्या खाए यार आना है आपको खाना है ज़रूर ठीक है ओके ओके बाय बाय बस मेरी वीडियो यहीं तक की थी सो ओके बाय मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ कमेंट्स के साथ मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ओके गाइज बाय बाय सी यू